आखे फलानी लैट सीनिया नू साड़न वास्ते वे फलानी वापिया नू साड़न वास्ते वे कसम खुदा दी इमानदारी दी गल पिया करना इस मिलाद दा फायदा कोई नहीं जे तेरी मां घर विच रोंदी है पई पत्तियां ना मिला मल भी ना भी बुला सिर्फ मां दे पैर धो के पी ले खुदा भी राजी है मदीने वाला मुस्तफा जे मां रोता था बेबा मां को मंडी लगती थी माओ की माओ को बेचा जाता था मदीने के ताजदार मंडी से गुजरे देखा माँ की बोली लगाई जा रही है ऐलान हो रहा है किसी ने नौकरानी खरीदनी हो मेरी बूढ़ी माँ ले जाए किसी ने नौकर खरीदना हो मेरा पूरा बाप ले जाए मदीने वाले ने अर्ज किया वाला ये मेले में बेचने के लिए नहीं है ये दो था हाथ उठा दे रब इनके हाथ खाली लौटा दे रब के ना दे हाथ खाली लौटा ही नहीं कैसा मिलाद है हुजूर दी आमद तो पहले बहन की इज्जत ने और नौजवानों आज जेड़े बहनों की इज्जत कर दे हो पैगाम सुनो मिलाद दा हुजूर नु एक मां ने चुकया है जिन्हें दूध पिलाया जिदा नाम शीमा है शीमा ने सीमा की अम्मा का नाम हलीमा सादिया है जिस मां का दूध हजूर पीता है ना सीमा की सच्ची मां का नाम हलीमा है हजूर की रसाई मां का नाम हलीमा है हजरात रसाई मां वो होती है जिसका दूध पीता हो और किसी को शक हो साडे नाल पैर लावे मैं तेरी किताबा चो लिख दिखा सकना हलीमा ईमान भी लेके आई है मुस्तफा ने दूध भी पिलाया बंदे कल्ला करते ने इस्लाम नहीं लाई मैंने कहा अपनी सीरत ए रसूल तर्जमाए हयातुल कुलूब और साहिब बिहारु शरीफा पढ़ तेरा शेख अब्बास कुफी भी ये लिख रहा है कि सैयदा हलीमा ने मुस्तफा पे ईमान भी लेके आई है मुस्तफा को दूध भी पिलाया है ये गल्ला तुहानू ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡੱਕਿਆ ਰਹੋ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਹਲੀਮਾ ਪਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਚ ਕਰੀ ਤੋ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ सारे दरवाजे ते गए पैसे दियो बंदे छुड़ाने ने जो आए ने सीमा के दरवाजे ते सीमा कह लगी पैसे की करना जे आखे बंदे छुड़ाने ने सीमा कह लगी गल सुनो पैसे रह दियो बंदे मैं छुड़ा के देनी हूं आखिया क्यों किने छुड़ाएगी आखे लगी तुहानू नहीं पता मुस्तफा छोटा सी ओदो भी लोरियां मैं देंदी रही ਲਜਪਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲਜਪਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਹ ਵੱਡੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲਜਪਾਲ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋਚਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਨਾਵਟੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ तकरीर होवे जिहड़ी हाथ बन के अपने भाई बना के ताकि तकरीर मुक्के ते हो जाए दिल ते भी ते होवे सुनो सीमा आई सहाबी रसूल ने तलवार अगे कर दिती क्या सीमा तलवार नु झटका दे के लिए तलवार थल्ले कर तैनू नहीं पता मुहम्मद अरबी मेरा वीर है हुजूर ने फरमाया सीमा जी आका फरमाया किवें आई है सुनिया मेरे कबीले दे कुछ बंदे गिरफ्तार होए ने ओ छुड़ान आईया फरमाया मेरी बहन आप क्यों आई है पत्तू बंदा गल देना सी बंदे छड़ देने सुभान अल्लाह जिन्ना दे घर बहना है ने ते जेड़े इज्जत कर दियो ओ भुलिया सुभान अल्लाह अज
जेड़े मेरे बेटे ते मेरे भाई खड़े ने ये भी हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू अजरे असीम अता फरमाए। सुनो नौजवानो, शीमा ने किया आका से अपन मशवरा किया, बंदे छड़ दिते। शीमा पैसे भी लेके जा रही है, शीमा ने कबीले वाले भी जा रहे नहीं आंदी शीमा बकरियां किधरों लगे नहीं, पैसे किधरों ला दी। शीमा के कबीले वाले कह लगे सारे कबीले वाले वापस आ रहे कि आंदे की लाने सदा वसदा कलमा नहीं पढ़िया मेरे घर में बच्ची बच्चा पैदा होने की उम्मीद सी, मैं किसी काम वास्ते जान लगा, मैं बीवी ने पैसे दिते, मैं क्या पैसे ले ले घर में बच्ची पैदा हो तो कत्ल कर दे, बच्चा पैदा होते पालना है। मेरी बीवी कह लगी बच्चा होते पालना तो बेटी हो कत्ल क्यों करनी है। उन्हें कहा तेन पता है साढ़े मुआशरे में धी को लानत समझिया जाता है, बंदे ताना मार दे मैं तेरी धी जमी कतल कर दे। हजरा दे अकल ने बच्चा साल वास्ते जाना सी, बीवी को खर्चा दे के जा, मैं वापस आया वहां मेरे घर में धी जमी है चंद नाल सोनी, मेरी बीवी ने उन्हें कतल नहीं किया, पालना शुरू किया तो मेरा तारुफ कराना शुरू किया। कहता मैं घर पहुंचया, मैं दरवाजा खड़काया, आकर मेरी धी ने दरवाजा खोलिया, पहले पूछ रही है मासूम आवाज में दरवाजे ते कौन है, मैं क्या मेरा नाम दहिया है, कहती है अम्मी मैं सात बिस्मिल्लाह करा मेरा पापा है। रात मेरे आका करीम ने फरमाया फिर तेरी कैफियत की थी किबला, दहिया कहने लगे आका मेरे जिस्म में आग लग गई, ये दी मुआशरे की लानत मेरे वेड़े किधरों आ गई। आका फरमाया फिर तेन तरस ना आया, आका दिल ते कुफर दा ताला जो लगा हुआ सी किधर जाता, आका फरमाया फिर की होया, सुने फिर मैं धी के मुंह से तमाचा मारिया, मैं मैं बाबा क्यों आखिए मेरी धी रोंदी है पई, मेरी धी तड़पती है पई, आंदी है बाबा ना मार तेनू की पता होवे जदो तू नहीं से मैं हर वेले आंदी सा मेरा बाबा आने वाला है, आंदा मैं अपनी बीवी नू मारिया, मैं आख्या मारिया क्यों नहीं हूं, इनू कतल क्यों नहीं किया, मेरी बीवी बोल के आई है मावा दे दिल नरम गुलाब ते जाने कौन हकीकत माती किसे वले तो ते किसे बजारो नहीं मिलती शफकत आका मैं दीन नाल लिया एक रस्सी फड़ी एक
कई फड़ी एक डोल फड़िया लैके बेटी तुर पिया मेरी बीवी मैं क्या तैयार कर मां ने तैयार किया हजरात बेलियां बेलियां प्यार भी होता है लालच भी बाइयां बाइयां प्यार भी होता लालच भी होता है कायनात च मां है जिन्हों प्यार होता लालच दिया कहने ने मेरी बेटी तोड़न लगी तो मां कहती है ले ओ यार आपको तो पड़ा नहीं है साथ मूड हो तो मैं मेरा दिल ले मैं उस सूरज पड़ा जेड़ी कश्मीरी सूरज जेड़ी मियां साहब के दरबार पे पड़ी जाती है जो सुनो तो फिर पढ़ांगा आर वे खड़ी फरमांदे ने मां कहती है ले ओ यार हवाले रब ने लपई जुदा बिल्कुल इख्तसार फलती है कहने मैं दीन नाल लिया लेके पे जावा ना मेरी दीन मेरे हाथ चुम ले आका रोके फरमाया फिर क्यों लिया आका मैं बेटी नु फिर छिड़किया मैं आखिर मेरा नाम क्यों ले आई क्यों मैं चुमनी है कहने लगी बाबा जो बच्चे गलियों में खेल के अबू अबू करते सन मेरा दिल करता सी कभी मेरा भी तो अबू आए मैं तड़पती सा आका फरमाया फिर की होया आका मैं जंगल च लै गया जमीन ते गड़ा खोदिया आका मैं जमीन ते गड़ा खोदिया जमीन तो मिट्टी उड़ी मेरे कपड़िया ते पै गई आका फरमाया फिर की होया सोनिया मेरी धी सिर तो चादर उतार ली है मेरे कपड़िया तो मिट्टी साफ कर दी है पही आका फरमाया तेन तरस नहीं आया आका तो अजा कलमा जो नहीं पढ़िया सी मैं बेटी नु बड़े में छुपिया है कच्ची बोल क्या दी है बाबा मेरा कसूर की है बाबा मैं माफ कर दे तेरे वतन ते नहीं आवांगी लोगों दियां मक्खियां चुगा के गुजारा कर लांगी लोगों दे घरां विच झाड़ू फेर के गुजारा कर लांगी तेरा नाम भी नहीं लवांगी ते या मेरे सोहणिया मैं धी ते मिट्टी पा रिहा हां ओदी आवाज बुलांदा भी है बाबा पत्थर उठाया ते बेटी दे सिर विच मारिया मेरी बेटी दी आवाज ते खत्म हो गई पर हुण सौना ते ख्वाब च आउंदी है आंदी है जालिम बाबा कयामत वाले दिन तेरा गरीबान पकड़ांगा ते हजरात फिर दे या कलमा पड़े है ते हुजूर ने फरमाया पिछलियां माफ पिछलियां माफ हो गई ने तवज्जो रखना पिछलियां माफ हो गई ने सोने आ, फिर जिबरील भी जदों आवे देहिया की सूरत फिर देहिया भी कह रहा ने फल के नजारे जमीन की बहारो सभी पे मनाओ मिलाद के पैसे बेवा को दे दो मैं आख्या चलो दो झंडियां सी गट ला के बेवा नु भी देंगे ख्याल करांगे लेकिन तू ही तो कोई शर्म नु वक्त मार
आखिर की हो जाए। मैं आख्या तेन बेवा याद दे उस मुस्तफा का हक याद कोई नहीं जिन्हें बेवा दे भी हुकूक पता फरमाया मुस्तफा तेन याद कोई नहीं नूरे मुस्तफा अल्लाह ने सब तो पहले पैदा फरमा मेरी गंडी विच किताब मौजूद है अल्लाह ने सब तो पहले नूरे मुस्तफा पैदा किया नूरे मुस्तफा पुश्ते आदम विच रखिया अल्लामा अशरफ अली थानवी दी नशरुद्दीन बाग तो मैं किताबा मंगवा देना मैं गंडी किताबा विच लै के जाना जलसे विच रखना क्योंकि तुहाडे कोल जगह नहीं सी मैं खेचल रहन दे तवज्जो रखना नशरुद्दीन विच अल्लामा अशरफ अली थानवी दी ने अल्लाह ने आदम पाक नूं पैदा किया हवा भी पैदा हुई हाथ लान लगे ना अल्लाह फरमा सोने इंज नहीं पहले हाथ मार दे जिन्ना दिता है वो हाथ मार समझ दे आखो तो एक साथ तुम भी लाना चाहिए शादी हो गए ना शादी खुश रहे सदन का वेल आवे उस वेले आप दे दी बा और मौलवियां के करी रहे उस पुत्र की शादी है कंजर तो नचाने कंजर नचे तो जमन भी तो डिस्को डांस जी शादी होरी मुस्तफा का बिलाद पिछो जमन आला या पीर सियाल जमना या सुल्तान में बाबू जमना जेड़ा मुंडा शादी तो मिलाद करा फकीर तकरीर ही फरी करेगा हूं तो बोलो जिस लड़के की अच्छा मैं हूं तुम वकील साहब का समझ मेरे मुक्त दिए ना वो गुजराती ने चंगे अमीर ने उन्हें आख्या पांच छह लाख कंजर को देख के उन्हें आख्या बस शादी तक नचाने नहीं मेरी बारी आई है जुम्मा मैं पढ़ाया मैं आख्या पुत्रों पढ़ाओ छह लाख के चो सरा थी कंजर खाना करना निकाह तो मैं ही पढ़ाना है जे बारह लाख तो पूरा मैं निकाह पढ़ावा तो गल हो मैं आख्या बारह लाख तो निकाह पढ़ावा तो गल हो आख्या काम तो खराब है उन्हें आख्या किसी उस मौलवी तो पढ़वा लेंगे मेरे होंगे कोई और मौलवी नेड़े ते आ गए अच्छा तो जिस टाइम बारी आए कारी अब्दुल रजाक साहब ने कंजर नु दिता पांच लाख तो जेड़ा वडेरा मार होंगे ना वो बंदा के आता दो लाख नहीं तवज्जो करिया तवज्जो आज जुमलियां ते गौर करिया अल्लामा थानवी लिखते ने प्यो बंद रात के बहुत बड़े याद अर्ज करते ने या अल्लाह आपा तू हाथ किने लावा फरमाया पहले हाथ मार दे या अल्लाह की नेमा कोई ते बजायर शह कोई नहीं फरमाया मी वारी तेरे मोहब्बत ते दरूद पढ़ दे तेरा हाथ मार अदा हो जाएगा सानू कही आते ने अजान से पहले भी दरूद पढ़ते हो अजान के बाद भी दरूद पढ़ते हो क्यों पढ़ते हो मैं आख्या साडे प्यो साडी मां नूं दित्ता होया हक मारे च जिथे साडा दिल कीता असीं पढ़ना है उथे क्योंकि असीं बेदरूदी मां दे पुत्तर नहीं दरूद वाली मां दे पुत्तर है हुण ते बोलो गल समझो नबी पाक दे नौकरो ते दीवाने हो अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम दा नूर नबी पाक दा नूर पैदा किया ते पुश्ते आदम इक रखिया फरिश्तियां दी कतार पिछे वे सीरत हलबिया जिंदा तर्जमा दियो पंडा ने ने किया है मेरी गड्डी विच मौजूद है कोई देखना चाहे हुणे पढ़ावांगा चोर चोरी करे हक कट्टो झूठ बोले जुबान कट्टो गल सची होवे मैं तेनु सजा नहीं देनी ये आखांगा जब जुबान खोल ये आखिया कर सरवर कहूं के मालिक हो मौला कहूं तुझे बाहे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे तेरे तो बस है पे तनाही से है मरी हैरा हूं मेरे साथ क्या क्या कहूं तुझे
कारी अब्दुल रज़ाक साहब का बयान भाई तकरीर इंज करी मुद्दत पिछो आया सही करके करी अपने दिलों तो सही किया करना जे तुम्हारी तवज्जो होवे ते हजरात तवज्जो रखना जुमले ते गौर करना मैं इंशाल्लाह सारा कुछ जवाब दे देख के जैसा लगे जे मेरे पुत्र तवज्जो करे यार जुमले ते गौर करो जरा हजरत सैयदना आदम पाक दी पोस्ट ते नूर है फरिश्तियां दी कतारा पीछे ने या लाए पीछे क्यों ने फरमाया दीदारे नूरे मुस्तफा रास्ते आए ओ नूर भाई जान आया पेशानी के आदम पाक के या अल्लाह अखा दे उत्ते ते फौरन नजर नहीं आता ओ नूर आया अंगूठियां विच इंजीले बरनबास पर ओ किस दो वर्ड और मेरी अंग्रेजी गलत होवे तो तुसी वकील साहब सही चक्कर तेरे गलत होवे ते हां वाकई गलती सही हो सकती है अगर नाथ खान की गलती करे तो मैं इस्लाह कर अच्छा मैं नाले भी बचात करा अल्लाह की कसम मैं स्टेज पे बैठा मनु एक जर्रा भी उन्होंने जात ना एक जर्रा मेरे बच्चे ने मेरे भाई ने लेकिन मैं आखना कमलियों हुजूर दी शरीयत तो मुंह तो नहीं जागना चाहिए सुभान अल्लाह ऐस तो आखिया वरना तुसी भी गुनाहगार होंगे वसी भी गुनाहगार होने हो इन ता इतना करना मैनु कुदरती गैरत आंदी है रसूल अल्लाह दी नामूस ते या जिस वे दीन के हमला होता है इस तरह दा जब असी दीन दा पैसा देना या दीन नु आप बदनाम करना ऐस तो मैं कीता जे वरना मैनु अल्लाह जानदा बच्चा पता नहीं कित्थों आया है मैं जानदा भी नहीं लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस तो आखिया है पर तुसी ते समझदार लोग हो जांदे पुत्र इन्हां दी तरह इमाम बने ते बनिया हण हलाल जेड़ा चुम्मे समझ लिया पे ओ ते गया अंगूठे चुम के अखा ते लाए नामे मुस्तफा दी बरकत नाल डेरा होवेगा चलो जो इस्लाम ने कंकरियां मारियां सी ओए उन्हां नूं ते शैतान नजर आया सी तुसी क्यों मार दियो तुम्हें कोई नजर आता है कहते हैं ये किसी की अदा को अदा किया जा रहा है मैंने कहा जैसे आप इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हो आप सारी बशरियत के अब्बा जी की सुन्नत को अदा कर रहे हैं पढ़े लिखे बंदे थोड़ी हो तवज्जो करो ये नूर आया चलता नहीं आते हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा ये पुश्त इब्राहिम में भी ये नूर सी जड़ी आग नहीं लगती और इत्थे एक इस्तदलाल करना चाहना जे इब्राहिम दी पुश्त च नबी दा नूर है ते आग असर नहीं कीता ते जिस मां दे पेट च मदीने वाला रहया है पुत्रा ओ गोडे तो हाथ लाओ कमला ते अपने नबी दी मां दी इज्जत ते बोलो सुभान अल्लाह मैं हर तकरीर जसूर दी अपनी जान दी तारीफ करना मैं ना किसी दे मां प्यो दी तारीफ करिए ना पुत्र चंगा होवे ते ओ आंदा है मेरे मापियां दा कमी है मैं मिरासी बन के ज़ारा बाग दी दादी दा आंदा वकालत करदा फिरदा ताके सोना आखे भावे गंदा भी है मेरी मां दी तारीफ करदा रहया अल्लाह अकबर बंदे बिल्कुल लाना चाहना
पाकिस्तान बन गया तवज्जो करो गल समझ आया और नूर आया जनाबे आदम पाक दे फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे बारे च अल्लामा थानवी लिखदे ने और मोमिन शबलंजी नूरुल अबसार च लिखया है हवाले दा जिम्मेदार हां उन्हें लिखया है नूह अलैहिस्सलाम अर्ज की थी कि अल्लाह बेड़ा बनाना मैं ते कीड़ा खांदा है गुण खांदा है या अल्लाह करा की फरमाया ये ते मुहम्मद अरबी का भी नाम लिख ते उन्हां दी उम्मत दे वडेरियां दे भी नाम लिख नूह अलैहिस्सलाम जिहड़े नाम लिखे ने उह दसां पहला नाम लिखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहाबिही व बारक व सल्लम बेटा थोड़ी जी बेस भी कम रखना बंद रखना अल्लाह तुहानू सलामत रखे बहुत जबरदस्त तवज्जो की ओ बेड़ा बनांदे ने जबरदस्त अल्लाह तुहानू बरकत का फरमाए अल्लाह तुहानू इज्जत देवे हजरत जी वकार बेड़ा बनाया कौन लगता है अल्लाह फरमाया लिख मोहम्मद फिर नाम लिख अबू बकर कौन की बोलो ना जरा सुभान अल्लाह जेड़े खलोते हो जिन्हों की अबू बकर नाली आ रही है ना लिखिया अबू बकर फिर लिखिया उमर फिर लिखिया उस्मान फिर लिखिया अली फिर लिखिया फातिमा फिर लिखिया हसन फिर लिखिया हुसैन मोहम्मद शबलंजी लिखे है कारी अब्दुल रजाक साहब फिर कीड़ा नहीं लगता पाठिया वाले तकरीर की मेराज का जुमला है जिस जनाबे वाला बेड़े पे इन्हों का नाम लिखिया हो कीड़ा नहीं खांदा जिते दिल ते इन्हों का नाम लिखिया हो कबर च कीड़िया कदों खाना मछली जन्नत में जाएगी भाइयो अरे भाइयो मछली जन्नत में जाएगी मगर खैर हो हजरत साहब ये जन्नत वंडन लग पे मछली तुहाडी के लग रही है कि मछली जन्नत में जाएगी भाइयो मैं आख्या जी वजह भी तो दसो मच्छी क्यों जन्नत जाना है आखिर मछली के पेट में नौ महीने चार चार महीने यूनुस रहे हैं वो मछली जन्नत में जाएगी मैं क्या चलिया हया कर जिते पेट चार महीने यूनुस रहे वो जन्नती है ते जिते पेट यूनुस नबी इमाम रहा है वहां जन्नती कोई नहीं सोने पलंग सैयदा पाक पे रोटियां खान उत्तो हुजूर आ गए फरमाया एक रोटी मैं भी ना लावा एक मैं भी ना लावा सोने रोटी तुम पता है जनानियां या जेड़े तंदूर वाले ये रोटी नाल नहीं पहले पानी लावे सोने पानी भी लाया नमाज पढ़ के सजदा आई तो रोटी है जेता ही कच्ची सिर्फ कच्ची नहीं वकील साहब पानी भी नहीं सूखा भाई साहब पानी भी नहीं सूखा सजदा कुछ दिए ने आका इतनी वजह की है पर मैं तुहान नहीं पता जिस शहर मोहम्मद अरबी का हाथ लग जाए ओते ते आप कसर नहीं करती पार्टियां वाले हो आज फैसला तो आते तेरे वकील ने जज तुसी हो आज वकील आले सुन्नत दा बन के मैं पे हाथ बनना मसलक तेरा कोई होवेगा ए ते दस जिस रोटी नु नबी हाथ लावे
नहीं कर दी जिते पेट रसूल नहीं आए और जिते मोटिया के रसूल